तो गैस ये वीडियो मैंने बनाने स्टार्ट की ऋषिकुल तिराहे को क्रॉस करके, क्योंकि इसके बाद से ही जितने भी शहर में फ्लाईओवर बन रहे हैं हरिद्वार में वो शुरू हो जाते हैं। और पहला फ्लाईओवर का जो इंक्लाइनिंग पार्ट है वो बिल्कुल आप राइट साइड में देख रहे होंगे, ये प्रेमनगर चौक पे जो फ्लाईओवर बन रहा है उसका इंक्लाइनिंग पार्ट है। इससे पहले एक और वीडियो मैंने बनाया था प्रेमनगर चौक के बारे में, जिसमें क्योंकि उस समय फ्लाईओवर का काम स्टार्ट हुआ ही था तो डाउट था कि ये वन साइड फ्लाईओवर बनेगा या प्रॉपर ये भी 4 लेन या 6 लेन फ्लाईओवर बनेगा। तो अब मैं इस समय जिस तरफ से हरिद्वार में जा रहा हूँ वहाँ से आपको देखेंगे लेफ्ट साइड में भी पिलर्स बनने शुरू हो गए हैं। इट मीन्स ये भी प्रॉपर या तो 4 लेन या 6 लेन या फ्लाईओवर बनेगा, यानी कि प्रॉपर जैसे बाकी फ्लाईओवर बन रहा है वैसा ही, मतलब मेरा डाउट क्लियर हो गया इसको देख के। तो आप दूसरा प्लेयर देख सकते हो इसके लेफ्ट साइड में। और इसके बाद बिल्कुल इस एरिया के बाद, इस प्रेमनगर चौक के बाद शुरू हो जाता है सामने सिंह द्वार वाला फ्लाईओवर। और सिंह द्वार वाला फ्लाईओवर की कहानी वही है, वॉल्स अब बननी शुरू हो गई हैं इसकी, काफ़ी काम इस पर भी शुरू हो गया है। हो सकता है कि इसको ये प्रेमनगर वाले फ्लाईओवर के साथ ही कनेक्ट करें, अगर ऐसा हुआ तो फिर ये अभी स्टार्ट तो होने से रहा, स्टार्ट तो अभी कोई भी नहीं होगा, बट नवंबर इनकी डेडलाइन है, नवंबर तक इनको ये सब रेडी करना है। तो गाइस अब तक आपने मेरे जितने भी वीडियोस देखे होंगे उसमें देखा होगा कि मैं ज़्यादातर वीडियो यहीं पे एंड कर देता हूँ, इसके आगे मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई थी सिंह द्वार को क्रॉस करके, लेकिन आज इस वीडियो को मैं सिंह द्वार के आगे ज्वालापुर तक बनाने वाला हूँ और देखेंगे कि सिंह द्वार से ज्वालापुर के बीच में क्या प्रोग्रेस है इस NH 58 की। तो सिंह द्वार का ब्रिज क्रॉस करने के बाद आप राइट साइड में देख सकते हो ये वॉल्स पूरी तैयार हो चुकी थी, अगेन वही इसकी भी वही स्टोरी है, टाइल्स लगाई थी वो फेल हो गई, सैंपल फेल हो गए उसके, अब सारी टाइल्स निकालने के बाद इन्होंने अब दोबारा से यहाँ पे भराई करके नई दीवारें बना रहे हैं। और देखो अब नीचे जो टाइल्स पड़ी हैं इससे इन्होंने, इस ब्लॉक से इन्होंने इसकी फ्लाईओवर की वॉल को बनाया था, वो पूरी की पूरी वॉल हिल गई थी जिसकी वजह से इसको सैंपल फेल करने के बाद नए तरीके से बनाने का काम शुरू हुआ है अब। लेकिन क्या प्रोग्रेस है वो आप देख ही सकते हो, बिल्कुल राइट साइड में अभी इन्होंने पूरा इस वॉल को घेरने के बाद क्या काम किया है आगे देखते हैं हम। थोड़ा सा ट्रैफिक होने की वजह से मुझे स्लो चलना पड़ रहा है और मैं वैसे भी स्लो ही चलता हूँ। तो अभी देख लो गाइस कि कितना लंबा ये फ्लाईओवर है और कितना ज़्यादा नुकसान भी इसमें हुआ होगा ऑब्वियसली, पर वो नुकसान की भरपाई कंपनी ने की या हमारे टैक्स के पैसे का नाश किया गया कह नहीं सकते। तो देखो यहाँ तक कम से कम मैं आधे किलोमीटर से ज़्यादा आ चुका हूँ, सारा का सारा फ्लाईओवर का काम पूरा हुआ था और अब उसको फिर से किया जा रहा है। और यहाँ पर आ जाता है अंडरपास जो कि गुरुकुल कॉलोनी में जाने के लिए आपको यूज़ करना होता है। यहाँ देखो गाइस ये आपको राइट साइड पे दिख रही होंगी नई जो टाइल्स हैं उसको लगाने का काम शुरू हो गया है सिंह द्वार वाले फ्लाईओवर पे। और इस पूरी वॉल को कंप्लीट करने के बाद फिर दोबारा से इन पर मिट्टी भरी जाएगी और फिर दोबारा से इसके इंक्लाइनिंग पार्ट को कंप्लीट किया जाएगा। तो गाइस यहाँ पर हो जाता है ये फ्लाईओवर ख़त्म और इसके बाद जिस रोड पे अब मैं चढ़ने वाला हूँ ये रोड काफ़ी मतलब 1-2 साल पहले से ही ऑपरेशनल है, 4 लेन ऑपरेशनल है इस पर। एग्जैक्टली ये रोड गुरुकुल यूनिवर्सिटी के गेट के सामने से ही निकलता है। तो अब देखो उस रोड की क्या कंडीशन है, हम मिलते हैं फिर आगे। तो गाइस अब एग्जैक्टली हम जिस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं वहाँ है रेलवे ओवर ब्रिज और उस पर काफ़ी टाइम से काम चल रहा है, मतलब आगे एक पुल है जिसके नीचे से रेलवे लाइन निकलती है और सिंगल लेन ये पुल था, मतलब सिंगल या डबल लेन कह लो, तो इसको भी 4 लेनिंग का काम काफ़ी टाइम से चल रहा है। राइट साइड में आप देख सकते हो जहाँ इस समय क्रेन्स काम कर रही हैं, पहले यहाँ पर गड्ढा था, खाई टाइप थी, तो इसे पूरा भरा गया है। और देखते हैं और क्या प्रोग्रेस है, इसको थोड़ा मैं अभी आगे रुक के देखता हूँ।
जितना मैं देख सकूँगा, लेकिन अभी मैं लेफ्ट साइड में कॉन्सेंट्रेट करूँगा और यहाँ से दोबारा वापस होके जब आऊँगा तब मैं एक बार और राइट साइड में आपको दिखा पाऊँगा कि उस साइड में जहाँ पर रेलवे ब्रिज है वहाँ पर क्या प्रोग्रेस है। बट अगर मैं यहाँ से नज़र डाल के देखूँ तो मुझे इतना दिखता है कि थोड़े बहुत सरिये वगैरह मुझे दिख रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ काम तो चल रहा है, ठीक से मुझे दिखाई नहीं दे रहा इस जगह से। एक बार यहाँ से खड़े होकर देख लेते हैं तो सामने मुझे दिख रहा है एक अंडरपास। अब ये अंडरपास का यूज़ क्या होने वाला है इसको देखने के लिए थोड़ा ओके। सामने जो आप एक पुल देख रहे हो ना पिंक वाला, वो ज्वालापुर के एरिया को इस मेन बाईपास से कनेक्ट करता है, तो ये अंडरपास उसी के लिए बनाया जा रहा है। और उसके बिल्कुल राइट साइड में रेलवे पुल भी है, तो उस रेलवे पुल के लिए भी अंडरपास बनाया जाएगा। मतलब ये तो बहुत टाइम लगेगा इसके अंदर गाइस, मुझे तो लगता नहीं है कि ये नवंबर तक कंप्लीट कर पाएंगे इसको। बाकी अब लेफ्ट साइड में कॉन्सेंट्रेट करो और उसके बाद मैं दोबारा वापस यहाँ घूम के आऊँगा तो फिर दोबारा आपको दिखाऊँगा क्या प्रोग्रेस है। तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो पूरा का पूरा ये फ्लाईओवर या रेलवे ओवरब्रिज जो भी आप कह लो, उसके लिए दोनों साइड में मिट्टी की भराई हो चुकी है। कुछ टाइम पहले तक गाइस जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं चूँकि ये इतनी यहाँ पे भराई नहीं हुई थी, और यहाँ से ही जब इस रेलवे ओवरब्रिज से आप नीचे उतरते हो तो एक रोड बाईपास दिल्ली को निकल जाता है और दूसरा राइट साइड से ज्वालापुर मेन मार्केट के लिए अंदर चला जाता है। तो अब मैं देख पा रहा हूँ कि ये दोनों तरफ दीवारें बनाई जा रही हैं और जो मेन फ्लाईओवर शुरू हो रहा था अब इसको उसी से कनेक्ट कर दिया गया। मतलब ये एक ही फ्लाईओवर बन गया है पूरा का पूरा, रेलवे ओवरब्रिज से होते हुए और फिर ये ज्वालापुर का जो मेन सीतापुर बाईपास ये मेन मार्केट है, सॉरी ज्वालापुर नहीं, ज्वालापुर इसके राइट साइड में अंदर जाके आता था पर वो तो वहाँ पे दीवार बना दी है इन्होंने। ओके तो आप देख सकते हो गाइस कि ये पूरा का पूरा एरिया राइट साइड में आप देखो, राइट साइड के अंदर पहले ये एरिया अंदर सड़क जाती थी और वहाँ पे ये दीवार बना रहे हैं। मतलब यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ वो जो अंडरपास बन रहा है या तो उसका यूज़ होगा या एक नया अंडरपास बनेगा यहाँ पे। बट फिलहाल अब ये अनइंटरप्टेड हाईवे बनने वाला है जहाँ से मैंने शुरू किया था रेलवे ओवरब्रिज का काम शुरू हो रहा है वहाँ से लेकर ये लगातार एक ही फ्लाईओवर बनने वाला है। अब इस फ्लाईओवर पे मैं दोबारा से चढ़ने लगा हूँ, लेफ्ट साइड का काम अभी रुका हुआ है क्योंकि उसके पीछे काम चल रहा है तो उसके बाद ही इसको पूरा किया जाएगा। देखते हैं कि आगे इस फ्लाईओवर पे कितना काम कंप्लीट है या कितना इनकम्प्लीट है। तो ये रोड डालने का काम यहाँ पे बाकी रह गया है, बाकी सब तो कंप्लीट ही दिख रहा है। बट अभी हम सिंगल साइड ही चल रहे हैं, मतलब वन वे ट्रैफिक ऑन है यहाँ पे। ओके गाइस, तो यहाँ से अब हम लेफ्ट वाली साइड में डाइवर्ट हो गए हैं और यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ से ये फ्लाईओवर पूरा ऑपरेशनल है। तो ज्वालापुर जो सीतापुर बाईपास पे फ्लाईओवर था उसमें जो कंप्लीट पार्ट है उसको अब देख पा रहे हो और बहुत अच्छे से बनाया गया है फ्लाईओवर। मतलब ठीक ठाक लग रही है रोड मेरे को, बीच में थोड़े बहुत गड्ढे हैं तो मतलब इसका ये है कि अभी इस पर प्रॉपर रोड डलनी बाकी होगी, लेकिन ओवरऑल जो मेरे को रोड दिख रही है 6 लेन फ्लाईओवर है ये। और गाइस इस फ्लाईओवर के एंड होने के बाद ये सीधा रोड निकल जाता है बहादुराबाद की तरफ और फिर बहादुराबाद से दिल्ली रोड। पर मैं अब इस वीडियो में अभी क्योंकि ज्वालापुर वाला ही एरिया कवर कर रहा हूँ तो मैं आगे नहीं जाऊँगा, मैं यहीं से यू टर्न ले रहा हूँ। और यू टर्न लेने के बाद अब मैं आपको लेफ्ट साइड से दिखाता हूँ कि लेफ्ट वाली साइड से क्या प्रोग्रेस है। और ऑफकोर्स जो रेलवे ओवरब्रिज के साइड में जो भी प्रोग्रेस है थोड़ा हम लेफ्ट साइड से ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे तो वो भी मैं आपको अब दिखाऊंगा। बट ये रोड आप देखो फ्लाईओवर के ऊपर बहुत अच्छे से बना दी गई है और ट्रैफिक बहुत स्मूथ है। लो थोड़े बहुत गड्ढे भी हैं यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बन जाएगा रोड जब पूरा बनेगा, जब पूरा का पूरा रेडी होगा तब शायद इस रोड पर कोई गड्ढा ना हो। तो अभी जब इस रोड पर आओ तो संभल के ही आना। एंड देन यहाँ से वापस से सिंगल लेन शुरू हो जाती है, पहुँचते हैं सीधा रेलवे ओवरब्रिज पर। तो गैस ये जो आप लेफ्ट साइड में खुली जगह देख रहे हो ना, यहाँ ज्वालापुर मार्केट अंदर जाने के लिए यहाँ से रास्ता जाता था, पर मेरे को लग रहा है कि अब ये पूरे को बंद करके शायद कुछ अंडरपास वगैरह बनाएंगे और वहीं से आप रोड के
नीचे वाली साइड से एक साइड से दूसरी साइड जा पाओगे, शायद ऐसा ही कुछ होने वाला है। ठीक है, वैसे अनइंटरप्टेड हो जाएगा रोड, लेकिन मार्केट वालों को बड़ा नुकसान होगा इसका। अब लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो काफ़ी एरिया भर दिया गया है, और ये अच्छी चीज़ है कि इंक्लाइनिंग पार्ट इसका बहुत तेज़ी से कंप्लीट कर लिया गया है। जो काम इनकम्प्लीट है वो है जो रेलवे अंडरपास बनना है, क्योंकि आगे रेलवे के भी डबलिंग और लाइन का काम चल रहा है, तो उस वजह से एक ही बार में इस पूरे फ्लाईओवर को प्रॉपर तरीके से बनाया जाएगा। कि अगर चार रेलवे लाइन बननी हो या डबल लाइन बननी हो तो बाद में दिक्कत ना हो कि हाईवे बनाने के बाद। देखो यार, ये आपका अंडरपास में थोड़ा आगे रुक के देखता हूँ। तो यहाँ से लेफ्ट साइड में कंसंट्रेट करेगा हम, तो ये अंडरपास बना है और सामने वो पिंक वाला ब्रिज जो है वो ज्वालापुर से इस हाईवे को कनेक्ट करता है, तो शायद इसको उसके लिए यूज़ किया जाएगा इन फ्यूचर। शायद वो पुल को भी कभी चौड़ा कर दे वो। और उसके सामने सिल्वर कलर का जो ब्रिज आपको दिख रहा है तो वो है आपका रेलवे ब्रिज, और रेलवे लाइन की डबलिंग का काम चल रहा है, तो अभी यहाँ पर भी अंडरपास प्रॉपरली बनना बाकी है, तभी ये आगे फ्लाईओवर का काम होगा इसमें। अदरवाइज तो टाइम लगेगा इसके अंदर, मुझे लगता है कि शायद नवंबर तक हो या ना हो, या होने को हो भी जाएगा अगर ढंग से रात दिन काम होगा तो। अब गाइस, ये जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो जहाँ पे सारे एरिए को फिल किया जा रहा है, ये उस रेलवे ओवर ब्रिज का डिक्लाइनिंग पार्ट है, तो इसे पूरी तरीके से यहाँ पे फिल ऑलमोस्ट कर दिया गया है। मतलब जो मेन काम इसमें अब रह गया है ना, वो बस शायद रेलवे अंडर पास का ही रह गया है। अब होने को वो जल्दी भी हो सकता है या उसमें ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन जो भी अपडेट होगी अगले हफ्ते 10 दिन में तो एक बार और मैं विज़िट करके उसको शो कर दूंगा। और उसके अलावा ये रोड तो सिंह द्वार के फ्लाईओवर तक बना ही हुआ है, काफ़ी 2-3 साल हो गए हैं इस रोड को बने हुए। तो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ आते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, गुड बाय।